बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्होंने समाज की परवाह नहीं की और बिना शादी किए ही मां बन गई। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं एक्ट्रेसेस के नामों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्होंने शादी से पहले प्रेग्नेंट होकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। तो चलिए जानते हैं इन एक्ट्रेसेस के बारे में। नंबर वन, वीणा मलिक। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीणा मलिक शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। वीणा मलिक ने 25 दिसंबर 2013 को दुबई के जाने माने बिजनेसमैन असद बशीर खान खट्टक से निकाह किया था। वहीं सितंबर में इनका एक बेटा अबराम पैदा हुआ था। खबरों में यह भी बात खुलकर आई थी कि यह बेटा वीणा के एक्स बॉयफ्रेंड का है। नंबर टू, श्रीदेवी। दोस्तों, बॉलीवुड में हवा हवाई के नाम से जानी जाने वाली श्रीदेवी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी क्योंकि उनका अफेयर बोनी कपूर के साथ 3 साल से चल रहा था। जब वह प्रेग्नेंट हुई तब जाकर बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिया और फिर बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी कर ली, जिसके बाद उनकी पहली बच्ची जानवी ने जन्म लिया जो केवल शादी से 6 महीने बाद ही पैदा हो गई थी। नंबर थ्री, एमी जैक्सन। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म सिंह इज ब्लिंग में हीरोइन रह चुकी खूबसूरत अदाकारा एमी जैक्सन ने तो शादी से पहले ही खुशखबरी सुना दी थी। एमी ने शादी से पहले ही अपने मंगेतर जॉर्ज नायडू के बेटे को जन्म दिया। सितंबर में इस कपल ने लड़के को जन्म दिया। उसके बाद इन्होंने शादी की योजना बनानी शुरू कर दी। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ जीवन भर के लिए थाम लिया। आपको यहां बता दें कि जॉर्ज नायडू ब्रिटेन के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। नंबर फोर, नेहा धूपिया। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया काफी सुर्खियों में रहती हैं। आपको बता दें कि नेहा धूपिया ने मई में अपने बॉयफ्रेंड अंगद बेदी से शादी कर ली थी, लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अपनी शादी के 6 महीने बाद ही नवंबर में नेहा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद यह खबर बॉलीवुड के गलियारों में आग की तरह फैल गई कि नेहा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके चलते उन्हें अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी पड़ी। नंबर फाइव, दिया मिर्जा। दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दिया मिर्जा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आता है। आपको बता दें कि दिया मिर्जा ने 2021 में वैभव रेखी से शादी की थी। दिया मिर्जा और वैभव दोनों की यह दूसरी शादी है। वैभव से शादी के 4 महीने बाद ही दिया मिर्जा ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद उनके फैंस को यह जानकर हैरानी हुई कि शादी से पहले ही दिया मिर्जा वैभव से प्रेग्नेंट हो गई थी। नंबर सिक्स, नताशा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लॉकडाउन में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी। उन्होंने 30 वर्षीय बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल नताशा से शादी की थी और इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया के जरिए अपने घर में नन्हे मेहमान के आने की खबर देकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद हर तरफ बस यही बात चलने लगी कि कब और कैसे ये सब हो गया। मतलब कि लॉकडाउन में हार्दिक ने तो अपनी पूरी फैमिली ही बना डाली, लेकिन बाद में ये खबर आई कि हार्दिक और नताशा के बीच बहुत टाइम से रोमांस चल रहा था और इसी रोमांस के दौरान नताशा प्रेग्नेंट हो गई। इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थाम लिया और दिल खोल कर अपने बच्चे का इस दुनिया में स्वागत किया। नंबर सेवन, आलिया भट्ट। दोस्तों, आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ शादी करके लोगों को एक तगड़ा झटका दे दिया था, लेकिन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएंगी। अगर आप इन दोनों की शादी की खबर से हैरान हुए थे तो आपको बता दें कि आगे आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे भी एक वजह है और वह वजह है आलिया भट्ट का प्रेग्नेंट होना। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड सूत्रों से यह खबर सामने आई थी कि आलिया जल्द ही मां बनने वाली हैं, लेकिन उनकी शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। ऐसे में इतनी जल्दी उनका मां बनना यह साफ इशारा करता है कि आलिया शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद जल्दबाजी में इस प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए आलिया और रणबीर की शादी करा दी गई। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।